नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम गुरु पर। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, आपका यूपी टेट एग्जाम 28 नवंबर को होना है। आप सभी बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए मैथ्स की बेहतरीन क्लासेस। इन क्लासेस के माध्यम से आपकी तैयारी को बहुत अधिक तरीके से, यानी बहुत बेहतरीन तरीके से मजबूत बनाएंगे। साथ ही साथ इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, 10 नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी रात को 8 बजे। 10 नवंबर से 10 क्लासेस के माध्यम से हम ना केवल कंप्लीट सिलेबस करेंगे, साथ ही साथ आपको बता दें, हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उन सभी को एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, मैंने यहाँ पर आपका सिलेबस लिखा है यूपी टेट का, अगर ध्यान से आप देख पा रहे हैं। देखिए, इसमें मैंने कुछ जो सिलेबस लिखा, जैसे आपका क्षेत्रमिति जो टॉपिक है, ये दो भागों में आपके सिलेबस में बटा होगा। अगर आप ओरिजिनल जो सिलेबस है, ऑफिशियल जो सिलेबस है, उसमें देखेंगे तो क्षेत्रमिति को दो भागों में बांट करके लिखा गया होगा, एक क्षेत्रफल और परिमाप और दूसरा आपका आयतन। तो मैंने एक ही नाम से आपको यहाँ पर लिखा है क्षेत्रमिति। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ये आप कह सकते हो, ये 98% सिलेबस आपका ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें आप, तो सबसे जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो एलसीएम एचसीएफ से शुरुआत करते हुए इसी सिक्वेंस में आगे बढ़ते हुए यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। और प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूँ, खास बात यह है कि ये जो क्लासेस होंगी, इसमें से 10 क्लासेस में से आप मान के चलें 8 जो क्लासेस होंगी वो मुश्किल से 50 से 60 मिनट की होंगी। यानी एक क्लास में एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, वो भी जितने भी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सब के सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, जिससे जब आपके क्लास होंगी तो इसी सीक्वेंस में होंगी। आप घर पर अपना तैयारी को पहले से पढ़कर, मतलब हर एक टॉपिक को पहले से पढ़कर रख सकते हो, जिससे जब आपको पढ़ाया जाए कोई टॉपिक तो आपको पढ़ने में मज़ा आए, जो डाउट होंगे वो आपके क्लियर होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, पहले एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, प्रतिशत एक क्लास में पढ़ लेंगे, लाभ हानि को एक क्लास में पढ़ लेंगे, साधारण ब्याज को एक क्लास में, फिर आंकड़ा जो आंकड़ा टॉपिक है जिसमें माध्य का बहुलक पढ़ना होता है, फिर क्षेत्रमिति, संख्या पद्धति, ज्यामिति, कैलेंडर और विविध में देखिए बहुत सारे तरह के प्रश्न बन जाते हैं। इसमें भिन्न को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, बोर्ड मास को भी डिस्कस करेंगे, करणी घातांक से कुछ सवाल बन जाते हैं, एकिक नियम जिसमें M1D1H1/W1 वाला जो फॉर्मूला होता है उस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो हम लोग बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। खास बात यह है, मैं आपको बता दूं, फिर से बता दूं कि जितने भी सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे, सब के सब एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप मान के चल सकते हैं जो आपको पढ़ाया जाएगा, 10 से 12 घंटे की जो तैयारी आपको कराई जाएगी, उसमें से ही बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जिनकी तैयारी हो चुकी है उनका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, और जिनका किसी वजह से अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है मैथ की, तो उनके लिए तो एक तरह से रामबाण की क्लासेस होने वाली हैं। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं 10 नवंबर को रात 8 बजे, शुरुआत करेंगे एलसीएम और एचसीएफ से। तो जितने भी आपके साथी हैं, चाहने वाले दोस्त हैं, उन सभी को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, उनको शेयर कर दीजिए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।